मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। टीवी की दुनिया में बिग बॉस का घर सबसे अनोखा और अपने आप में यहाँ रहने वालों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बिग बॉस के अब तक कुल 11 सीजन आ चुके हैं। हर सीजन में कुछ अलग और हटकर देखने को मिलता है, जिसे इस शो के दर्शक खूब पसंद करते हैं। इस बार बिग बॉस का 12वां सीजन घर घर में आने को तैयार है। शो से जुड़ी कई सारी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। इसके चलते शो के कुछ प्रोमोज भी रिलीज किए गए हैं। वहीं हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान इस शो को होस्ट करेंगे। सलमान हमेशा ही शो को बहुत ही अलग अंदाज में होस्ट करते आए हैं। इसके चलते शो की टीआरपी भी काफी ऊपर तक जाती है। यकीनन लोग इसे काफी इंजॉय करते हैं। कंटेस्टेंट्स का सलमान के साथ प्यार मोहब्बत तो कभी नोक झोंक और तकरार, ये सब शो का अहम हिस्सा है। इस शो में कई बार ऐसा भी हुआ है जब सलमान खान और कंटेस्टेंट के बीच में भयंकर वाद विवाद हुआ, जिसके चलते उनके नाम सलमान खान की हेट लिस्ट में शामिल हो गए। सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका जग्गा की। सीजन 10 में घर पर कंटेस्टेंट के रूप में आई प्रियंका जग्गा एक कॉमनर थी, लेकिन जल्द ही वो चीप एंटिक्स के जरिए सेंसेशन के तौर पर जानी जाने लगी। पहले हफ्ते में ही प्रियंका ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। वहीं घर की दूसरी सदस्य लोपा मुद्रा पर भद्दे कमेंट्स करने पर सलमान को ये बात ठीक नहीं लगी। सलमान इस गलत हरकत को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और प्रियंका को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं सलमान प्रियंका की हरकतों से इस कदर त्रस्त हो गए थे कि उन्होंने कलर्स चैनल से ये तक कह दिया था कि प्रियंका अगर कलर्स के किसी भी शो में आई तो वो कभी कलर्स के किसी शो में नजर नहीं आएंगे। दूसरे नंबर पर है स्वामी ओम। अपनी गलत हरकतों से घर का वातावरण खराब करने वाले स्वामी ओम ने दूसरे कंटेस्टेंट के घर वालों के ऊपर कमेंट्स किए। वहीं शो में चारों तरफ कैमरा होने के बावजूद भी किचन में ना सिर्फ उन्होंने पेशाब किया बल्कि कंटेस्टेंट बानी और रोहन मेहरा पर भी फेंका था। वहीं इस बेशर्मी के बाद मेकर्स ने उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं सलमान ने भी इस हरकत को शर्मनाक बताया। ओम ने शो में सलमान खान की हड्डियां तोड़ने की भी बात कही थी। वहीं स्वामी ओम ने सलमान को जान से मारने की भी धमकी दी थी। बिग बॉस के घर में सलमान खान हर फीमेल कंटेस्टेंट को प्रिटी कमेंट्स करते रहते हैं। करिश्मा तन्ना भी उनमें से एक थी। वहीं शो में करिश्मा और उपेन का अफेयर चल रहा था। जब सलमान को लेकर बाकी कंटेस्टेंट ने उन्हें छेड़ा तो इस दौरान करिश्मा नाराज हो गयी और रोने लगी। वहीं इसे देख सलमान शॉक्ड हो गए और शो से वॉकआउट कर लिया। 7वें सीजन में सलमान खान और कुशाल टंडन की बहस काफी बड़ी थी। कुशाल के एरोगेंट बिहेवियर की वजह से सलमान उनसे काफी उखड़े उखड़े रहने लगे थे। सलमान ने उनकी खबर अच्छे से तब ली थी जब वो काजोल की सिस्टर तनीषा को लेकर गलत बोल गए थे। इसके बाद शो के बीच में ही कुशाल घर से बाहर हो गए थे। वहीं उन्होंने कहा था कि सलमान खान उनसे माफी मांगेंगे। बिग बॉस के सीजन 6 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई सपना भवनानी ने सलमान के साथ शो में बहुत बड़ा झगड़ा किया था। दोनों के बीच कई बार बहसबाजी हुई। उन्होंने कहा था कि वो सलमान खान से डरती नहीं है। इमाम सिद्दीकी बिग बॉस सीजन 6 में एक विवादित और मजेदार कैरेक्टर के तौर पर दर्शकों के बीच जगह बनाने में कामयाब रहे थे। हालांकि सलमान उनसे अक्सर खफा रहते थे क्योंकि इमाम बिग बॉस हाउस में कई बार नियमों को तोड़ते थे। सलमान इमाम को बेफिजूल की बातें करने के लिए भी डांटा था। बिग बॉस 11 में प्रतियोगी रहे जुबेर खान को सलमान ने खरी खोटी सुनाई थी। दरअसल जुबेर ने घर में एक महिला को गाली दी थी और भद्दी भाषा का प्रयोग किया था। यही कारण था कि सलमान जुबेर से काफी गुस्सा थे। सलमान ने यहां तक कह दिया था कि वो घर से बाहर निकलने के बाद जुबेर को कुत्ता बनाएंगे। जुबेर ने घर से बाहर निकलने के बाद सलमान के खिलाफ एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी। बिग बॉस 11 में अपनी हॉट बॉडी को लेकर चर्चा में रहने वाले प्रियांक शर्मा को सलमान खान शो में पसंद नहीं करते थे। दरअसल तमाम चेतावनी के बावजूद कंटेस्टेंट प्रियांक शर्मा महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करते थे। एक बार प्रियांक ने घर में मौजूद शिल्पा शिंदे और अर्शी खान को लेकर भद्दी टिप्पणी की थी, जिसके चलते शो के होस्ट सलमान खान ने वीकेंड का वार में प्रियांक शर्मा की क्लास ली थी। वहीं बिग बॉस के 11वें सीजन में ही सलमान को टीवी की चर्चित बहू हिना खान भी पसंद नहीं थी। दरअसल जिस समय प्रियांक शर्मा ने बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट शिल्पा और अर्शी पर कमेंट पास किया था, तब हिना खान वहीं मौजूद थी। तब उन्होंने प्रियांक शर्मा को रोका नहीं था। ऐसे में सलमान ने तब हिना की भी जमकर क्लास लगाई थी।
आखिरी में बात करेंगे आकाश ददलानी की। प्रियांक शर्मा और हिना खान के अलावा बिग बॉस के 11वें सीजन में आकाश ददलानी भी सलमान की हेट लिस्ट में शामिल थे। आकाश ददलानी के घर में गंदे बिहेवियर के चलते वो अक्सर सलमान के निशाने पर होते थे। इतना ही नहीं, एक बार सलमान आकाश की हरकतों से इतना परेशान हो गए थे कि वो बीच सेट से ही बाहर निकल गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिग बॉस से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।